नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बैरिया विधानसभा को आदर्श बनाएंगे सुभाष यादव बीएसपी प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बैरिया विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व विधायक सुभाष यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि बैरिया विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाएंगे, विकास कार्य करेंगे, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जनता के हर दुख दर्द में साथ देंगे। जब मैं विधायक था समय में विकास कार्य मैंने किए हैं। यही जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप विकास का काम करेंगे, तो मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैं उस समय, मुझे क्या पता कि किस तरह का कैसे कार्य होता है, लेकिन उन लोगों को मैं आश्वासन जरूर दिया था कि जब आप हमें चुनेंगे तो निश्चित रूप से नौरंगा का विकास होगा। और उन लोगों ने मुझे चुना, जनता मुझे चुनी, तो मैं यह दिखाने का काम किया कि नौरंगा, अधिकारी लोग नहीं चाहते थे वहाँ काम करना, इसलिए कि थोड़ा गंगा उस पार वह गांव पड़ता है, उनको दिक्कत होती थी। मेरे समय में जो भी गांव आया था उसमें अधिकारी कहते थे कि सर नौरंगा को अलग कर दीजिए, बहुत दिक्कत है। 5 गांव था, उसमें बजट के हिसाब से 1 गांव कम किया गया, तो वो लोग नौरंगा को काटना चाहते थे। हम बोले कि सुन लीजिए, अगर 1 गाँव भी बचेगा तो उसमें नौरंगा प्रथम पर है, 1 नंबर पर है। पहले नौरंगा होगा, उसके बाद कहीं काम होगा। और नौरंगा में जो हमने किया, आज मेरा मन गदगद हो जाता है वहाँ के संदेश को सुन करके, जो जनता संदेश भेज रही है और जगह कि जनता वहाँ ठान चुकी है कि हर चीज़ से ऊपर उठ करके, कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, इस बार केवल सुभाष को वोट करना है। इसलिए कि हम लोग जब से यहाँ बसे हैं और जब से जितने नेता आए, विकास अगर देखने को मिला तो केवल सुभाष यादव से मिला, उनके पहले भी किसी से नहीं मिला था और उनके बाद भी जो लोग आए उनसे भी नहीं मिला। इसलिए हम लोग सुभाष के अलावा किसी को नहीं जानते। बहुजन समाज पार्टी से आप बैरिया का प्रत्याशी हैं, पूर्व में भी आप बहुजन समाज पार्टी के आप विधायक रहे हैं, उन समय भी आपका कार्यकाल अच्छा रहा, अच्छा आपका क्षेत्र में भी अभी भी मीडिया बंधु द्वारा या किसी जगह गाँव पूछा जा रहा है तो लोग काफ़ी कच्चा चल ले रहे हैं, तो इस समय आपका क्या एजेंडा है गाँव में के लिए, आपने बैरिया विधानसभा के लिए क्या है? धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, मुख्य एजेंडा विकास का है। गरीब मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र छात्राओं की जो समस्याएं हैं उनके विकास के लिए, उनकी जो समस्याएं हैं, आज हर चीज़ बेपटरी हो चुका है। पिछली सरकार, चाहे जिस वर्ग के लोग हों, चाहे नौजवान रोजगार के लिए परेशान हो, किसान को उचित मजदूरी नहीं मिलती है, तमाम सारी समस्याएं हैं। किन किन समस्याओं का नाम लूँ, इन पर मेरा मुख्य फोकस होगा कि इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम काम करें। इसके पहले भी बैरिया में जब मुझे मौका मिला था तो हमने जहाँ तक हो सका उसको बनाने का प्रयास किया, और आने वाले समय में इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं उससे भी बेहतर करने का प्रयास करूंगा, जिसमें जनता से मैं सहयोग की अपेक्षा भी करता हूं। जनता के सहयोग से जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करूंगा। जी, यहाँ बैरिया का जो स्थिति है, ये पूरा जिला उतरे हुए हैं और सपा से भी उतरे हुए हैं, किस तरह लगाइए कितनी चेतावनी भरी आप चुनाव ये हो रहे हैं? हाँ देखिए, सत्ता से तो लगे हैं, लूट खसोट करके आए हैं बहुत, जो चुनाव लड़ने का दमखम से दावा कर रहे हैं, लेकिन दम है नहीं, केवल वो दावा कर रहे हैं। देखिए, द्वाबा क्रांतिकारी भूमि है और ये सब बाहरी लोग आए हैं, चाहे वो सपा के प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हों, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी, सभी लोग ये बाहर से आ करके और द्वाबा में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि
द्वाबा की जनता, बैरिया की जनता उनको नकार चुकी है और आने वाले 3 तारीख को उनको पूर्ण रूप से यह पता चल जाएगा और रिजल्ट जब निकलेगा तो यह द्वाबा की सम्मानित जनता जो है यह देखने को मिलेगा कि नारा दे चुकी है। नारा सुने कि नहीं? नारा ये लग रहा है कि चढ़ बाहरी के छाती पर और मुहर लगाओ हाथी पर। तो ये तमाम बातें जो सुनने को मिल रही से मैं जनता पर विश्वास है कि बाहरी यहाँ कोई राज नहीं करेगा। द्वाबा क्रांतिकारी धरती है, आपको जैसा पता है अंग्रेजों को भगाने में द्वाबा का अहम भूमिका रहा है, उस तरह से आज बैरिया की जनता भी ठान चुकी है कि इन बाहरियों को भगाना है और अपने जमीन पर अपने धरती के पुत्र को यह मौका देना है और जनप्रतिनिधि बनाना है। तो ये तो आप आश्वस्त हो जाइए कि ये बाहरी सब यहाँ से भगाए जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है जी। इसका मतलब ये है तो जनता के इसमें अगर प्यार मिलता है तो जनता जिस उम्मीद से आपको प्यार देगी उम्मीदों पर आप खरा उतरने का काम करेंगे। बिल्कुल खरा उतरने का काम करेंगे और जनता मुझे पहले भी देख चुकी। देखिए एक संजोग और है, 2007 में हम चुनाव लड़े, मेरा भी 5 साल का कार्यकाल जनता देख चुकी है। 12 में वो एक बाहरी कैसे कैसे अपने पिताजी के नाम पर आकर के, यहाँ तक मैं कहने में कोई कुरेज नहीं, उस समय जबरदस्ती इनको चुनाव जितवा दिया गया 167 या कुछ और से, उस समय भी हारे हुए थे और 2017 में भी 17,000 से हारे। आज फिर आए हैं तो मैं समझता हूँ कि इस बार तो ये बोरिया बिस्तर बांध करके सीयर जाना ही जाना इनको है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो बाहरी भगाओ का जो नारा है एकदम सफल होना है। और आप क्या कह रहे थे, फिर से आपका एक जी जो बैरिया की स्थिति है जी, चारों सही प्रत्याशी जो है। हाँ ये देखिए 2007 में 12 में हम रहे, 12 से 17 में ये रहे और 17 से 22 में इसके पहले जिन सरकार भी थी माननीय सुरेंद्र सिंह भी विधायक, 3 आदमी यहाँ हैं कार्य अपना कार्य करने की क्षमता को देखने और दिखाने के लिए। तो इसमें जनता यह ठान चुकी है कि इन तीनों में सबसे सुपर सुभाष यादव हैं, क्योंकि ये लोग जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। मैं जाति और धर्म की राजनीति नहीं करता, मैं सर्व समाज के लिए जो संविधान कहता है उस हिसाब से मैं लोगों तक उनके दुख सुख में शामिल होने का और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास अपने कार्यकाल में किया हूँ और इससे जनता मुझे जितना आशीर्वाद दे रही है उनका भी यही नारा है कि अगर किसी एक जाति का बनाना है तो दूसरे को चुने, लेकिन सर्व समाज का अगर किसी को नेता बनाना है और विधायक बनाना है तो सुभाष यादव के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। इसलिए सर्व समाज यह ठान चुका है कि सुभाष यादव ही नेता के लायक हैं और उन्हीं के यहाँ जो संविधान कहता है, जो समाज कहता है, जो समाज चाहता है उसके हिसाब से सुभाष यादव से उत्तम कोई नहीं है। और सर्व समाज का मुझे स्नेह प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है, लोग उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसके लिए मैं बैरिया की सामान्य जनता को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतलब इसका तात्पर्य है आपकी सत्ता आने के बाद प्रचंड विकास आपके क्षेत्र में होगा। बिल्कुल होगा, आदर्श बनाने के प्रयास करेंगे अपने क्षेत्र को। बिल्कुल बनाने का प्रयास करूंगा और जब रहा था उस समय बनाने का प्रयास किया भी हूं। आप देखिए 1947 के बाद